कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जब हम नित्य पूजा करते हैं या मंत्र जप करते हैं, भगवान की विधि विधान से पूजा करते हैं, तो हमें पूजा पाठ करते समय या पूजा पाठ के बाद में कुछ संकेत मिलने लगते हैं, जिन संकेतों के माध्यम से हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपको ये समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि संकेत संकेत मात्र होते हैं। अगर हम उसे फल समझ लेंगे तो हम अपने जीवन में कभी कुछ नहीं पाएंगे और हमें हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि हम अपने जीवन में कुछ पा नहीं पाए या हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ, जबकि हमने बहुत पूजा पाठ किया या हमने भगवान की बहुत अर्चना की। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो पूजा पाठ को ही सब कुछ समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि पूजा पाठ करते रहेंगे उनके सांसारिक जीवन में उनकी सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी, उनके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, उनके सारे कार्य बनने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम पूजा पाठ के रास्ते पर चलने लगते हैं, हम अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगते हैं, तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ने लगते हैं। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होता है कि आप अपने सांसारिक जीवन से एक तरह से संन्यास ले लें। अपने जितनी भी आपकी ख्वाहिशें हैं या जितना भी मोह माया है आपका जीवन के प्रति, मोह माया से, सांसारिक लालसा से, कुछ आपने पाया क्या खोया, अपना पराया, इन सब चीज़ों से जब आप आगे निकल जाते हैं तब आप मोक्ष के रास्ते पर चलने लगते हैं। आपको मोक्ष प्राप्त होने लगता है। जीवन में जब इंसान पैदा होके आता है तो एक तिनके के बराबर कोई चीज़ लेके नहीं आता और एक तिनके के बराबर कुछ लेके भी नहीं जाएगा। जो आपने पाया है वो सब यहीं छूट जाएगा, उसे मोक्ष कहते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि लोग पूजा पाठ करते हैं और उसे अपने सांसारिक जीवन से जोड़ने लगते हैं, अपनी सांसारिक लालसाओं से जोड़ने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि हम पूजा पाठ करते रहेंगे, भगवान की आराधना करते रहेंगे और हमारे सारे कार्य बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोच के पूजा पाठ करते हैं या आप भगवान की आराधना करते हैं तो आप ज़िंदगी भर पूजा पाठ करते रहेंगे और दुखी भी बने रहेंगे। क्योंकि देखिए, आपको दुख क्यों होता है? आपको दुख होता है सांसारिक लालसा से। सांसारिक लालसा से कहने का अर्थ ये है अपनों से, परायों से, या आप कुछ पाना चाहते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिली तो आपको दुख होता है। यही दुख का कारण भी होता है। तो अब पूजा पाठ करके हम अपने जीवन में कैसे बदलाव करें, हम अपने जीवन में क्या करें जिससे पूजा पाठ करने के बाद हमें पूजा पाठ के माध्यम से हौसले हो बुलंद, जिनके मंजिलें उन्हें मिल ही जाती हैं। आप एक कदम तो चलिए, वो दो कदम चल के आती हैं। जब आप पूजा पाठ करेंगे और आप एक कदम बढ़ाएंगे अपनी सफलता के लिए, तो विश्वास रखिएगा कि दो कदम आप अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे। वो शक्तियाँ आपको आगे बढ़ा देंगे, वो सपोर्ट आपको आगे बढ़ा देगा। तो भगवान की पूजा को आप एक सपोर्ट समझिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि पूजा का जो स्थान है बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। पूजा पाठ जितनी भी चीज़ें हैं ये एक मानसिक क्रिया है, मानसिक ऊर्जाओं का एक अनुष्ठान जैसे आप कह सकते हैं इसे। तो मानसिक शक्तियाँ कहाँ पे ज़्यादा जागृत होती हैं आपके घर में, ये आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे इसे? आप अपने घर में, आपके सभी के पास में आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन में कंपास का ऑप्शन रहता है। घर के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो जाइए। कमरे के बीच की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी जो घर की जैसे बाउंड्री है 50 बाई 50 का आपका मकान है, तो चारों कोनों को जब आप क्रॉस करेंगे तो बीच में कहीं सेंटर आएगा, वहाँ खड़े हो जाइए। उसके बाद में कंपास ऑन कर लीजिए। कंपास ऑन करने के बाद में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट एक दिशा आती है, उस लाइन को आप अपने घर में बना लीजिए। एक
इमेजिनरी लाइन बना लीजिए, मन में बना लीजिए कि हाँ ये एक लाइन है, उस लाइन के 11 डिग्री लेफ्ट और 11 डिग्री राइट, मतलब 22 डिग्री का जो कोण बनेगा ना वो आपका ईशान कोण कहलाता है, और वही आपके दिमाग को कंट्रोल करता है, वहीं से आपके दिमाग में जो एनर्जी होती हैं, जो ऊर्जाएं होती हैं वो जागृत होती हैं। उस जगह पर बैठ के अगर आप मंत्र जप करेंगे ना, उस केंद्र से लेकर पूरा लास्ट दीवार तक जो कोना है वहाँ तक पूरा ईशान कोण कहलाता है, उस जगह में अगर आप बैठ के मंत्र जप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, इतना फलदायी होता है कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि इतना फलदायी होगा कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दो दिन में आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा। कम से कम आपको एक साल देना पड़ेगा, हो सकता है ज़्यादा भी देना पड़े, हो सकता है आपको एक दो महीने में ही इसका फ़र्क दिखने लगे, ये आपके ऊपर है। क्योंकि देखिए, सभी की पूजा करने का या भगवान को प्रसन्न करने का या अपने देवी देवताओं को मनाने का तरीका अलग होता है, पता नहीं भगवान किससे प्रसन्न हो जाएँ, किससे मान जाएँ। तो समय का कोई वो नहीं है कि आप ये सोचो कि एक महीने में हो जाएगा, एक हफ्ते में हो जाएगा, हो सकता है एक हफ्ते में हो जाए, हो सकता है एक महीने में हो जाए, हो सकता है कि एक साल भी लग जाए, लेकिन फ़र्क पड़ेगा ज़रूर, और इस बात को आप महसूस भी करेंगे अपने जीवन में। तो पूजा करने का जो स्थान है वो सही होना चाहिए, और दूसरा जो आप कर्म करना चाहते हो उस कर्म के प्रति आपको लगाव बढ़ाना पड़ेगा, और आपको ये सोच के करना पड़ेगा कि आपके साथ में कोई शक्ति है जो कार्य कर रही है, उस शक्ति को आप महसूस तब कर पाएंगे जब आप पूजा पाठ बहुत ही मन से करेंगे, ध्यान बहुत मन से करेंगे, भगवान के लिए आप जितना कर पाएंगे उतना करेंगे, मंत्र जप करेंगे, तब आपकी ऊर्जा जो है आपके ऑरा में कंट्रोल होने लगेगी, या आपके ऑरा में वो एक तरह से मूव करने लगेगी। अभी तो क्या, सोई हुई जैसे ऊर्जा है, वो जागृत ही नहीं हुई, आपके अंदर समाहित है, लेकिन जब आप एनर्जी के माध्यम से, जब आप मंत्र जप के माध्यम से, जब आप ध्यान के माध्यम से उसे जागृत कर लेते हैं, तो आपके ऑरा में सर्कुलेट होने लगती है, वो चारों तरफ घूमने लगती है, उस ऑरा का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे वो आप के अनुसार कार्य करने लगता है, आप कुछ काम सोचेंगे आपके अनुसार काम होने लगता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपसे संबंधित होंगे, जिन्हें आप बुलाना चाहते होंगे, अपने आप ही वो आपसे कांटेक्ट करने लगेंगे, आपके जीवन में बदलाव होने लगेगा। अगर आपको धन की समस्या है तो आपके जीवन में धन आने लगेगा, ये सारी चीज़ें अपने आप ही कंट्रोल होने लगती है, क्योंकि जो आपका सपोर्ट सिस्टम है जब वो मजबूत हो जाता है तो सारी चीज़ें जीवन में बदल जाती हैं। संकेतों का यही अर्थ होता है, चाहे वो दीपक में फूल बनना हो, चाहे स्वप्न में भगवान दिखें, या आपको बैठे बैठे आवास हो जाए, आप आँख बंद करें तो भगवान की कोई प्रतिमा मिले, या भगवान आपसे स्वयं भोग मांगने आए सपने में, तो ये सारे संकेत होते हैं। इन संकेतों को आप समझिए और अपने जीवन में बदलाव करिए। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा, या आपको जो पूछना है वो लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। वो सब प्राप्त होने लगे जो हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे पहले आपको अपनी सोच में बदलाव करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि सब कुछ पूजा पाठ नहीं होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको पूजा पाठ नहीं करनी है, या इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप ये सोचने लगो कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता तो पूजा पाठ करके क्या फ़ायदा। पूजा पाठ बहुत बड़ा सपोर्ट है आपका, सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि पूजा पाठ सपोर्ट होता है, वो आपका हेल्पिंग हैंड नहीं है, सपोर्ट होता है। जैसे आपको कोई मोटिवेट करता है किसी कार्य करने के लिए, तो मोटिवेशन कोई हेल्प नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई पकड़ के आपका काम करवा लेगा, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह से पूजा पाठ एक सपोर्ट होता है। सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन तब तक बेकार है जब तक कि वो चार्ज ना हो, जब तक वो चार्ज रहेगा, उसमें करंट रहेगा, उसमें बैटरी रहेगी, बैटरी पावर रहेगी, तब तक आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए, अगर उसमें बैटरी पावर ही नहीं तो आप कुछ कर पाएंगे? तो जो बैटरी की पावर है, जो चार्जिंग है, वही भगवान की शक्ति होती है, आप उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो जब आप अपने जीवन में पूजा पाठ करते हैं तो आप अपने जीवन को चार्ज करते हैं,
आपके जीवन में एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। आपके शरीर की जो 5 तत्व की रचनाएं होती हैं उनसे जो एनर्जी निकलती है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज होता है। लेकिन उस चेंज से अगर हम अपने जीवन में बदलाव कर नहीं पाए तो आपका पूजा पाठ करके सांसारिक चीज़ों को पाना बेकार है। फिर आप ये सोचें कि आपको खाली मोक्ष मिलना चाहिए। तो हम क्या करें कि हमारे जीवन में बदलाव हो जाए? तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा पाठ करते रहना है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कर्म भी करते रहना है। जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसके प्रति आपको कार्य करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई करके कुछ बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तो वो जो चार्जिंग है मोबाइल की, जो चार्जिंग थी जो आपने पूजा पाठ करके पाई थी, वो आपकी हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कहते हैं ना कि